मैं राजा जैन, दर्द निवारक स्पेशलिस्ट, प्रियदर्शनी कॉलोनी रायपुर छत्तीसगढ़ में मेरा दर्द से थेरेपी का एक सेंटर है, विशेष थेरेपी के नाम से। मेरे यहाँ ये आए हैं पेशेंट, और ये सरसों तेल का उपयोग कितने अच्छे से करते हैं आप एक बार इनसे सुनिए। मैं नहाते वक्त हमेशा अपनी दोनों नाकों में अच्छी तरह तेल लगाता हूँ, उसके बाद फिर नाभि में तेल लगाता हूँ। सरसों तेल इस तरीके से शीशी में ऐसा हल्का सा उंगली में लेके ये नाखूनों में पीछे में ऐसा भरना है। ये आंखों की ज्योति इससे कई सालों तक खराब नहीं होती है। इसी तरीके से नाभि में ऐसे करके लगाना है, और नाक में भी ऐसे हल्का हल्का लगा के ऐसे खींच के सूंघ सकते हैं। थोड़ा अंदर लगाना चाहे तो अंदर लगा सकते हैं। और अलग अलग तेल का अलग अलग इफेक्ट है। सरसों तेल एंटी बैक्टीरियल है। तिल्ली तेल लगाने से बॉडी को कैल्शियम मिलता है, और नारियल के तेल में पोटेशियम रहता है। ऑलिव ऑयल एंटी ऑक्सीडेंट है, और इसी तरीके से आप विटामिन ई के लिए बादाम का तेल लगा सकते हैं। ये सब तेल अगर आप यूज़ करते रहेंगे तो बॉडी के जो मेन पार्ट है, जहाँ पूरी नर्व्स जो है यहाँ पर आके जंक्शन है पूरी बॉडी का नाभि में, तो उसको वहाँ पर इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे जो आपको तुरंत वहाँ पर इफेक्टिव रहेंगे। और ये पोर्शन जो है लूज रहेगा तो सर्कुलेशन बॉडी का अच्छा रहेगा, और ये नाभि के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये टिप्स को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और अब जब बाथरूम में यूज़ करते हैं तो एक्स्ट्रा तेल भी उस समय अगर लग भी जाता है तो धुल जाता है, और उस समय याद भी रहता है क्योंकि सामने आपकी शीशी रखी रहेगी। तो बेस्ट टाइम वही है कि आप बाथरूम में इस तरीके से नहाने के समय ये सब तेलों का उपयोग करते रहें। और अगर कभी मुंह में तेल लेके ऐसा च्यू करके आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, जितना आपके पास टाइम है, वो अगर बाथरूम में अगर उस तरीके से च्यूइंग भी करेंगे तो आपके बॉडी के जो टॉक्सिन है निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मसूड़ों के पास जो है ब्लड सबसे ज़्यादा रहता है, और वहाँ पर से टॉक्सिन खींच लेता है। और उसके बाद अच्छे से कुल्ला कर लेंगे, उंगली से पूरा मंजन कर लेंगे, क्योंकि वो टॉक्सिन जो है वो हार्मफुल रहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।